हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शिक्षा। आई एम फहीम। क्या आपको पता है कि आज इंटरनेट हमारे लिए एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुका है? इंटरनेट इज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज छोटी से छोटी चीज़ हो या कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़, हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, या फिर ऑनलाइन बिल पेमेंट की बात करें, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की बात करें, या फिर आप कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, चाहे आपके आधार कार्ड से रिलेटेड काम हो, वोटर आईडी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हर चीज़ जो है इंटरनेट से पॉसिबल हो पाया, इंटरनेट से जुड़ गई है। आज इंटरनेट के वजह से पूरी दुनिया एक साथ आपस में जुड़ गई है। आपको क्या पता है कि इंटरनेट को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले ISP की ज़रूरत होती है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो हमें इंटरनेट की सुविधा देती है कंपनी, उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद क्लाइंट का ज़रूरत होता है। क्लाइंट मतलब जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस, चाहे आपके स्मार्टफोन्स हो या फिर आपके कंप्यूटर्स हों, आपके लैपटॉप्स या टैब्स हों, ओके, वो आपके क्लाइंट्स हो गए। और उसके बाद वेब सर्वर की ज़रूरत होती है, जो हमें इन्फॉर्मेशन सर्व करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम सर्च करते हैं ऑनलाइन, तो वो हमें वेब सर्वर के थ्रू हमें मिलता है, लेकिन हमें डायरेक्ट वेब सर्वर से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पे डायरेक्ट नहीं मिलता। उसके बीच में एक मेडिएटर होता है, जिसे हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। यस, और हम आज वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वेब ब्राउजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज़ को, इंफॉर्मेशन को उसे वेब सर्वर से हमारे डिवाइस तक पहुँचाने के लिए। चलिए आज वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेब ब्राउजर होता है क्या है। ओके, क्या आपने अपने मोबाइल में गूगल क्रोम देखा है, यूसी ब्राउजर देखा है, ओपेरा मिनी देखा है? यस, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। यस, इसे हम वेब ब्राउजर बोलेंगे, जो कि वेबसाइट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। अब वेब ब्राउजर होता है क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारे कंप्यूटिंग डिवाइस, जो भी हमारे डिवाइस होते हैं जिससे हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं, चाहे हमारे स्मार्टफोन्स हो या हमारे लैपटॉप्स या डेस्कटॉप, ठीक है ना, उससे जो है कोई भी चीज़ जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, ओके, वेब ब्राउजर के थ्रू, तो वो सर्वर को उस चीज़ के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, और जो सर्वर होता है, वेब सर्वर, उस इंफॉर्मेशन को वेब ब्राउजर तक पहुंचाती है, और वेब ब्राउजर हमारे डिवाइस तक, और इसके जरिए हम जो है इंफॉर्मेशन अच्छे से देख पाते हैं और उसको ब्राउज कर पाते हैं। फ्रेंड, सो फ्रेंड, यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन को लेके। यस, वेब ब्राउजर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि बहुत सारे डिवाइसेस में, बहुत सारे सिस्टम में पहले से इनबिल्ट होते हैं। ओके, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप आप लेते हैं, परचेस करते हैं जब न्यू, तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट मिलता है आपको, और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स में आपको गूगल क्रोम मिलता है इनबिल्ट। ओके, तो ये सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं। और सर्च इंजन की बात करूँ तो सर्च इंजन क्या है? एक वेबसाइट है जो कि डेटा को कलेक्ट करके आपको वो सर्व करती है, जो भी चीज़ हम अगर कुछ सर्च करते हैं, तो जैसे गूगल का सर्च इंजन हो गया, बिंग हो गया। ओके, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। ओके, और गूगल सर्च जो है वो सर्च इंजन है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, आप इससे सेटिस्फाई हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस डालते रहता हूँ। और अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो नोटिफिकेशंस को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।